Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Jaz Abbasi and you are watching my Scape Biology. Today we are going to study Funaria. Funaria एक moss है जो bryophyte से belong करता है और अक्सर आपने देखा होगा जहाँ moisture या shade होता है वहाँ पे ये grow करता है. एक green mat like structure की form में ये नजर आता है. अक्सर water cooler के around या tap के आसपास आपको जो है वो ये mat like structure grow करता हुआ नजर आता है. This is Funaria. Funaria is a common terrestrial moss growing in moist and shady places as green velvety mat-like patches. So, ये green velvety mat-like patches की form में grow करता है, अक्सर जहाँ पे moist या shade वगैरह होता है, moisture या shade होता है. Funaria hygrometrica is found worldwide in distribution. ये जो Funaria की species है, ये worldwide जो है वो पाई जाती है. Funaria genus includes about 117 species. इसकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन की बात करें तो किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है. डिवियन ब्रायोफाइटा है, क्लास ब्रायोप्सिडा है, ऑर्डर फ्यूनेरियल्स है, फैमिली फ्यूनेरियसी और जीनस फ्यूनेरिया है. फ्यूनेरिया की हैबिटेट जैसे हमने पहले बात की कि ये मॉइस या शेडी प्लेसेस के ऊपर ग्रो करता है एंड फ्रीक्वेंटली फॉर्म इन पोटाशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस रिच सॉइल्स. फ्यूनेरिया की वेजिटेटिव बॉडी जो है, इसका जो मेन प्लांट बॉडी है, दैट इज गैमेटोफाइट. And gametophyte develops from green leafy, green filamentous structure, the protonema. So, जब spores germinate करते हैं तो उससे एक multicellular algae like structure जो है वो develop होता है जिसको हम कहते हैं protonema. और फिर protonema से gametophyte जो है वो develop होता है. Gametophyte is differentiated into an erect leafy shoot called as gametophore. So, gametophyte जो है इसको हम gametophore कहते हैं क्योंकि ये आगे later जो है वो gametes develop करता है. Each gametophore is differentiated into rhizoids, stem and leaf-like structure. So, यहाँ पे जो है वो हम stem-like और leaf-like structure का word इसलिए use करते हैं क्योंकि Funaria जो है इसके अंदर vascular bundles नहीं होते और vascular tissue ना होने की वजह से हम इसके जो parts हैं उनको हम stem-like और leaf-like कहते हैं, ना कि हम properly stem या leaf इनको हम कहते हैं. Rhizoids anchor the plant in soil and absorb water and nutrients. So, जो rhizoids हैं वो roots का काम करते हैं, रूट्स के मुतबादल के तौर पे काम करते हैं और ये प्लांट को सॉइल में फिक्स करते हैं और वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं. द लीव्स आर स्मॉल, ओवेट, सेसाइल एंड ग्रीन. लीव्स जो हैं ये साइज में छोटे होते हैं, ओवेट होते हैं, शेप वाइज सेसाइल होते हैं, यानी इनके साथ कोई स्टाक नहीं होती, कोई पेटियोल नहीं होती और ये ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं. द लीव्स फॉर्म ऑन लोअर पोर्शन आर कलरलेस वाइल ऑन ऊपर पोर्शन आर ग्रीन एंड लार्जर इन साइज. सो नीचे वाले लीव्स जो कलरलेस होते हैं जबकि ऊपर वाली साइड पे जो लीव्स डेवलप होते हैं दे आर ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक. सब लीव्स आल्सो आर आल्सो प्रेजेंट अराउंड सेक्स ऑर्गन्स व्हिच आर लार्जर एंड डिफरेंट इन शेप. सो जो सेक्स ऑर्गन्स के अराउंड लीव्स मौजूद होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और शेप में भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं. गैमेटोफोर्स बियर सेक्स ऑर्गन्स एट देयर टिप्स. सो जो गैमेटोफोर्स हैं ये अपने टिप्स के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करते हैं. सो हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूनेरिया. फ्यूनेरिया का ये जो लोअर पार्ट है दिस इज गैमेटोफाइट और ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज स्पोरोफाइट. जो गैमेटोफाइट है इसमें ये जो सेंट्रल एक्सिस है इसको हम कहते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और इसके अराउंड ये क्राउडेड लीव्स आपको जो है वो नजर आ रहे हैं, स्मॉल साइज से साइल लीव्स होते हैं, जबकि इसके लोअर पार्ट से जो है वो राइजॉइड्स ओरिजिनेट होते हैं जो सॉइल में पेंट्रेट करते हैं और वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं. गेमिटोफाइट के ऊपर जो है वो स्पोरोफाइट डेवलप होता है और स्पोरोफाइट का जो पार्ट गेमिटोफाइट से अटैच होता है, इन कनेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं फुट. उसके बाद ये जो लॉन्ग स्टाक है दिस इज कॉल्ड सीटा और उसके बाद ये जो टॉप के ऊपर स्पोरंजियम डेवलप होता है इसको हम कहते हैं कैप्सूल. सो फुट, सीटा एंड कैप्सूल आर द पार्ट्स ऑफ स्पोरोफाइट जबकि ये जो लीव्स हैं या जो इसका स्टेम लाइक और राइजॉइड्स है ये गेमिटोफाइट के पार्ट्स हैं. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया. फ्यूनेरिया रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू गैमी फॉर्मेशन, स्कैम्बली प्रोटोनिमा एंड एपोस्पोरी. द प्रोस्टेट ब्रांचेस डाई एंड इरेक्ट ब्रांचेस ग्रो एज इंडिपेंडेंट प्लांट. सो इस तरह से जो है वो ये वेजिटेटिवली प्रोपिगेट करता है. गैमी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, स्मॉल गैमा लाइक गैमा डेवलप अलॉन्ग मिड रिब ऑफ द लीव्स इन ग्रुप्स एंड ऑन डिटैचमेंट डेवलप इन टू न्यू प्लांट. सो ये जो है वो मिड रिब के अलॉन्ग डेवलप होते हैं और जब ये डिटैच होकर गिरते हैं तो ग्रो करके दोबारा नया प्लांट डेवलप कर लेते हैं. नेक्स्ट इज सेकेंडरी प्रोटोनिमा.
सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो है, अ स्पोर जर्मिनेट्स इनटू प्रोटोनिमा व्हिच ब्रेक्स अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय द डेथ ऑफ सम सेल्स, ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू प्रोटोनिमा एंड अ न्यू प्लांट इज फॉर्म इन दिस वे। सो स्पोर जब जर्मिनेट करके प्रोटोनिमा डेवलप करता है तो ये प्रोटोनिमा जो है ये स्प्लिट होके मल्टीपल प्रोटोनिमास में, जिनको सेकेंडरी प्रोटोनिमा हम कहते हैं, उनमें कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू डेथ ऑफ सम सेल्स, और फिर हर प्रोटोनिमा जब ग्रो करता है तो उससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज एपोस्पोरी। इन सम केसेस स्पोरोफाइट इज वॉन्डेड एंड प्रोड्यूसेस प्रोटोनिमा। स्पोरोफाइट जो है वो किसी वजह से जो है वो डैमेज होता है और वो प्रोटोनिमा डेवलप कर लेता है। द बर्ड डेवलप ऑन इट विच ग्रो एंड डेवलप अ डिप्लॉयड प्लांट। सो ये जो स्पोरोफाइट था, इसके ऊपर जो बर्ड्स डेवलप होते हैं, जो प्रोटोनिमा डेवलप हुआ है और उससे फर्दर बर्ड्स डेवलप होते हैं और वो ग्रो करके तो एक जो है वो डिप्लॉयड प्लांट जो है वो डेवलप कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एपोस्पोरी। सो ये एक किस्म का आप कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट जो है वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करके तो नया स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप कर देता है। सो इस तरह से जब ये प्रोसेस होता है तो उसको हम एपोस्पोरी कहते हैं। नेक्स्ट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन स्पोरोफाइट। सो स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया इज कॉमनली कॉल्ड स्पोरोगोनियम। हम स्पोरोगोनियम की टर्म जो है वो मोस्ट कॉमनली इसके लिए यूज करते हैं। इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉयड स्पोर्स थ्रू मियोसिस। सो इसके अंदर मियोसिस होती है और मियोसिस के रिजल्ट में हैप्लॉयड स्पोर्स जो है वो डेवलप होते हैं। स्पोरोगोनियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, मेच्योर स्पोरोगोनियम इज बॉर्न एट द एंड ऑफ फीमेल ब्रांच। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ मैसिव फुट लॉन्ग सीटा एंड अ पियर शेप कैप्सूल। सो फीमेल ब्रांच जहाँ पे आर्चिगोनिया डेवलप होती है और उसके अंदर फिर जब एग की फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, तो वहाँ से जो है वो स्पोरोगोनियम की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। और स्पोरोगोनियम जो है उसके अंदर एक जो है वो फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ये तीन मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी डायग्राम के अंदर भी डिस्क्राइब किया। फुट इज एम्बेडेड इन एपिकल टिश्यू ऑफ गैमेटोफाइट। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैमेटोफाइट। सो फुट जो है ये गैमेटोफाइट के अंदर एम्बेडेड होता है और ये वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है गैमेटोफाइट से। सीटा जो है इट इज अ लॉन्ग स्टॉक विच बियर्स स्पोरंजिया एट इट्स टिप। सो ये एक लॉन्ग स्टॉक है जो स्पोरंजिया डेवलप करती है। द कैप्सूल और स्पोरंजिया इज अ पियर शेप स्ट्रक्चर। सो कैप्सूल या स्पोरंजिया जो है ये पियर शेप स्ट्रक्चर है। इनिशियली इट इज ग्रीन बट इट टर्न ब्राउन एट मेच्योरिटी। मियोसिस अकर्स इन स्पोरोजेनस सेल्स ऑफ कैप्सूल रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉयड स्पोर्स। सो मियोसिस होती है कैप्सूल के अंदर और उसके रिजल्ट में लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। चूंकि फ्यूनेरिया के अंदर एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, लिहाजा फ्यूनेरिया जो है ये होमोस्पोरस है। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस टाइप। ओगैमस रिप्रोडक्शन हम उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें जो गैमीट्स हैं वो सेक्स ऑर्गन्स के अंदर डेवलप होते हैं, लाइक एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया के अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथ्रीडियम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आर्चिगोनियम। फ्यूनेरिया इज मोनोशियस having both male and female sex organs on the same thallus. जब एक ही thallus के ऊपर दोनों sex organ develop होते हैं तो उसको monoecious कहते हैं। अगर male thallus अलग हो और female thallus अलग हो, यानी दो type के अगर thallus हो एक individual के अंदर, एक species के अंदर, तो फिर हम उसके लिए dioecious की term use करते हैं। So filaria जो है ये monoecious है और उसके साथ साथ ये autoecious भी है। Autoecious means जो एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया हैं, दे डेवलप ऑन सेपरेट ब्रांचेस ऑफ द सेम थैलस। सो एक ही थैलस के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया डेवलप होते हैं, यानी मेल और फीमेल ब्रांचेस होती हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर बॉर्न ऑन लीफी गैमेटोफोर इन टर्मिनल क्लस्टर्स। सेक्स ऑर्गन जो है ये जो है वो ब्रांचेस की टिप के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं क्लस्टर्स में, जिनको हम टर्मिनल क्लस्टर्स कहते हैं। द मेन शूट ऑफ द लीफी गैमेटोफोर बियर्स एंथ्रीडिया एंड एक्ट एज मेल ब्रांच। जो गैमेटोफाइट की जो मेन ब्रांच होती है वो मेल ब्रांच होती है और उसके ऊपर एंथ्रीडिया जो है वो डेवलप होती है। फीमेल ब्रांच जो है दैट डेवलप्स एज अ लेटरल आउटग्रोथ फ्रॉम द बेस ऑफ द मेल ब्रांच एंड बियर्स आर्चिगोनिया। सो जो मेल ब्रांच है उससे एक लेटरल ब्रांच निकलती है जो ग्रो करके तो जो है वो फीमेल ब्रांच बन जाती है, क्योंकि उसके टॉप के ऊपर आर्चिगोनिया डेवलप होते हैं। इट ग्रोज हायर देन द मेल ब्रांच। सो ये ग्रो करके तो इवन मेल ब्रांच से भी जो है वो आगे हाइट पे जो है वो ज़्यादा हो जाती है। फ्यूनेरिया इज प्रोटो एंड्रस दैट एंथ्रीडिया मेच्योर बिफोर द आर्चिगोनिया। सो एक और चीज़ कि फ्यूनेरिया जो है ये प्रोटो एंड्रस है, इसमें जो एंथ्रीडिया है वो पहले डेवलप होते हैं और आर्चिगोनिया जो है वो बाद में डेवलप होते हैं। इट इंश्योर्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जब एंथ्रीडिया पहले डेवलप होंगे और एंथ्रोजाइट डेवलप होंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो फर्टिलाइजेशन हो सकेगी। बोथ एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर इंटरमिंगल विद 4 to 6 सेल्स हाई एंड 1 सेल थिक
स्टेराइल हेयर्स कॉल्ड पैराफाइसिस। सो ये जो एंथ्रीडिया और आर्चिकोनिया डेवलप होते हैं इनके अराउंड स्टेराइल हेयर्स होते हैं जिनको पैराफाइसिस कहते हैं, और ये 4 to 6 सेल हाई होते हैं और 1 सेल थिक होते हैं। दे प्रोटेक्ट सेक्स ऑर्गन्स एंड ऑल्सो रिटेन वाटर टू अवॉइड डेसिकेशन। सो ये जो स्टेराइल हेयर्स या पैराफाइसिस हैं ये सेक्स ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं और उन्हें जो है वो ड्राइनेस से भी बचाते हैं। सो हेयर इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो ये जो है वो गेमिटोफोर या गेमिटोफाइट हैं, ये जो है वो मेल गेमिटोफाइट है और ये फीमेल गेमिटोफाइट है, और इनकी टिप के ऊपर ये जो टॉप है यहाँ पे जो मेल गेमिटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडिया डेवलप होते हैं। एंथ्रीडिया जो है वो इस तरह से क्लस्टर्स में डेवलप होते हैं और ये जो है वो इस तरह से समवट इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। हर एक एंथ्रीडिया जो है उसमें बाहर की तरफ एक सिंगल आउटर जैकेट मौजूद होती है और उसके अंदर ये जो है वो स्पर्मेटोजेनस टिश्यू है जो एंथ्रोजाइट्स डेवलप करता है। ये जो एंथ्रोजाइट या स्पर्म्स हैं ये फिर रेन ड्रॉप्स या वाटर के अंदर जब स्विम करके तो ये फीमेल गेबीट तक पहुंचते हैं, आर्चिगोनिया तक। ये जो फीमेल गेबीटोफाइट है इसकी यहाँ टॉप के ऊपर क्लस्टर्स ऑफ आर्चिगोनिया डेवलप होंगे। आर्चिगोनिया एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो निचला पार्ट है लोअर पार्ट इसको कहते हैं वेंटर, जिसके अंदर एक्सेल मौजूद होता है, जबकि इसकी एक ये जो है वो इलोंगेटेड नेक है। सो जब आर्चिगोनिया मेच्योर होते हैं तो ये वाटर एब्जॉर्ब करके तो इसकी नेक के अंदर जो नेक कैनाल सेल्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं और वो जो है वो एक पैसेज क्रिएट कर देते हैं। एंथ्रोजॉइट जो है ये वाटर के थ्रू स्विम करके कीमोटेक्टिकली ये आर्चिगोनिया तक पहुँचते हैं। आर्चिगोनिया के अंदर जो है वो ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो एंथ्रोजॉइट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सेवरल एंथ्रोजॉइट्स मे एंटर इनटू आर्चिगोनिया बट ओनली वन फ्यूजेस विद द एग सेल। सो एक जो है वो एंथ्रोजॉइट एग सेल के साथ फ्यूज होगा और उसके रिजल्ट में जाइगोट डेवलप हो जाएगा। जाइगोट जो है ये डिप्लॉयड है और ये जो है वो फर्दर ग्रो करके तो एक डिप्लॉयड मल्टी सेल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और एम्ब्रियो जो है यहीं से अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा और स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सो ये जो है वो यंग स्पोरोफाइट है और ये जब मेच्योर होता है तो इस तरह से नीचे गेमिटोफाइट होता है और गेमिटोफाइट के ऊपर ये जो है वो स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है, या इसको हम स्पोरोगोनियम भी कहते हैं। सो इसमें फुटसीटा और कैप्सूल तीनों पार्ट्स जो आपको नजर आ रहे हैं। सो फिर जब ये स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है तो स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम के अंदर मियोसिस होती है कैप्सूल के अंदर और उसके रिजल्ट में लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पोर्स फिर जर्मिनेट करते हैं और एक मल्टी सेलर एलजी लाइक स्ट्रक्चर प्रोटोनिमा जो है वो डेवलप करते हैं। फिर ये प्रोटोनिमा जो है वो मेल गेमिटोफाइट या फीमेल गेमिटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस तरह से दो जनरेशन हैं, वन इज कॉल्ड द स्पोरोफाइट जनरेशन एंड द अदर इज कॉल्ड गेमिटोफाइट जनरेशन। गेमिटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूसेस स्पोरोफाइट जनरेशन थ्रू गैमीट्स व्हाइल स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूसेस गेमिटोफाइट थ्रू इट्स स्पोर्स। सो इस तरह से जब दो जनरेशन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं गेमिटोफाइट जनरेशन जो है और स्पोरोफाइट जनरेशन, तो इस टाइप के लाइफ साइकिल को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अ टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन विच स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट जनरेशन अल्टरनेट विद ईच अदर इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और चूंकि ये दोनों जो है वो स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट एक दूसरे से डिफरेंट हैं शेप वाइज, इसलिए हम इसको हिट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। सो इस तरह से एक हिट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो फ्यूलेरिया के अंदर मौजूद है।